वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाई सचिन। हम पढ़ रहे थे NTPC ग्रुप डी, SSC, CHSL, UPSI, MTS के लिए मैथ की सीरीज। उसमें हमारा अगला लेक्चर है लेक्चर 3, नंबर सिस्टम, टॉपिक रिमाइंडर। लास्ट टॉपिक था हमारा हाउ टू काउंट नंबर ऑफ जीरो। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वी डिस्कस हाउ टू फाइंड रिमाइंडर इन ए सीरीज। तो रिमाइंडर, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 414 प्लस 413 डिवाइड बाई 5। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, 5 से डिवाइड होने के लिए एंड में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 4। तो अगर हम राउंड फिगर में जाए, अगर हम 0 लेंगे तो कितना फालतू होगा, प्लस 4 फालतू होगा, और यहाँ पर प्लस 3। अगर हम 415 से काउंट करें तो कितना कम होगा, एक कम होगा, और यहाँ पर दो कम होंगे, जैसे कि स्टेप 2 में दिखाया गया है। तो ये -1, यहाँ पर हमने 415 को राउंड फिगर माना है, तो -1 की कमी है और यहाँ पर -2 की कमी है। स्टेप 2 में क्या करा, जितने की कमी है हमने उतने को प्लस कर लिया और डिवाइड कर लिया 5 से। तो ये एंड में हमारे पास कितना आ गया, -3/5 आ गया। अब ये ध्यान से देखने वाली बात है कि जब न्यूमिनेटर, यानी कि जो ऊपर वाला ये अंश, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसमें जब माइनस का साइन होगा तब हम नीचे अर्थात जो डिनोमिनेटर यानी हर है इससे काउंट करेंगे। तो यानी कि हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, 5 -3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 -3, यानी कि अगर हम 5 में से 3 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि सीधा क्या कर देंगे, 5 -3, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना है, 2 का। हमें 2 की ज़रूरत है उसको कट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 की कमी है 5 से विभाजित होने के लिए, अर्थात रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि सीधा सीधा क्या करेंगे, 5 -3 2। इसी का देखिए अगला एग्जांपल, यहाँ पर 414 प्लस 413 डिवाइड बाई 5। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, राउंड फिगर में 415 लिया था, इस पर हम क्या करेंगे, 410 लेंगे। तो कितना फालतू है, प्लस 4, और यहाँ पर प्लस 3, 4 + 3 7/5। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस बार न्यूमिनेटर कैसा आ गया, 5 से बड़ी संख्या आ गई। तो आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा सीधा 7 -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 2 आ जाएगा। यानी कि दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आएगा, या जब हम राउंड फिगर में 410 ले लें, यानी कि या तो उसके पीछे ले लें या उसके आगे ले लें माइनस करके। बस ध्यान इतना रखना है कि जब ऊपर माइनस होगा तो नीचे से माइनस कर देंगे, बस सीधा सीधा 5 -3 2, और जब ऊपर प्लस होगा तो 7 -5 यानी कि 2, यानी कि क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इसमें हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, 529 प्लस 631 प्लस 6559 प्लस 514 5। अब हम इसको राउंड फिगर में अगर लें तो ये वही फिर से यहाँ पे या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो हमने इसका कितना मान लिया, 30 मान लिया, 530। कितने कमी है, -1 की। यहाँ पे क्या है, +1 फालतू है, और यहाँ पे भी क्या है, यही 6 6, यहाँ क्या चाहिए था, हमें 0 चाहिए था, तो 0 करने के लिए क्या चाहिए, -1 की कमी है, और यहाँ पे क्या है, 515 करने के लिए -1 की कमी है। तो स्टेप 2 में हमने क्या करा, उनको सीधा प्लस कर दिया, -1 + 1 - 1, और ये -1, यानी कि ये तो कट गए आपस में, तो कितना आ गया, -2 आ गया। यानी कि ऊपर क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, यानी कि 5 से संख्या छोटी आ गई। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 5 - 2, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया रिमाइंडर, 3 आ गया। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, इस बार ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या था, प्लस था, इस बार हमने मल्टीप्लाई का एक एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे कितना है, ये है 1353, 1367, ये 2745 और 63। स्टेप 1 हमने वही, अब देखो सर इसे जल्दी जल्दी काउंट करने का शॉर्ट ट्रिक, हाउ टू काउंट फास्ट, कैसे फास्ट करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कैसे करना है, 13 से। तो फास्ट फास्ट दिमाग में लगा लो कि 13 से, यानी कि 13 से तो पूरा पूरा कट जाएगा। फिर कितना करेंगे, कितनी कमी पड़ गई, 53 की, यानी कि 52, यानी कि 13 * 52, वो भी कट गया, बचा कितना, 1। ये फास्ट काउंट है, जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इसकी काउंटिंग फास्ट हो जाएगी। फिर से वही 13 से डिवाइड करना है, यानी कि 1300। फालतू कितना है, 67 13 65, कितने की फालतू है, 2, यानी कि पूरा कट गए। तो रिमाइंडर कितना आ गया, +2 आ गया। ऐसे ही 2600, यानी कि 13 * 2 = 2600, कितना आ गया, बचा कितना, 145, यानी कि 130 प्लस, फिर 150 बचा कितना, 15 15 क्या लिखते हैं, 13 + 2, यानी कि बचा कितना रिमाइंडर, ये सब कट जाएंगे, बचा कितना, 2। अभी आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये काफ़ी फास्ट हो जाएगी, ये शॉर्ट ट्रिक है किसी भी नंबर के फैक्टर्स करने की, यानी कि हमें जिससे डिवाइड करना है उसके मल्टीपल लेने शुरू कर दो बस। तो यहाँ पे कितना आ गया, +1 + 2 + 2 - 2। अब हम इसको क्या करेंगे, बीच में पिछली बार प्लस का साइन था, तो इस बार यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 2
एट, लेकिन माइनस एक बार है तो माइनस का एट, वे सब कम आ गया तो क्या करेंगे सीधा सीधा, यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें से नोमिनेटर को माइनस कर देंगे, 13 माइनस 8 कितना आ गया, 5, तो आंसर क्या है, 5, रिमाइंडर इज 5। ये एक एग्जाम्पल है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल 1+, फैक्टोरियल 2+, फैक्टोरियल 3+, फैक्टोरियल 4+, फैक्टोरियल 5+, और ये एंड सो ऑन तक कहाँ तक है, फैक्टोरियल 811 तक है। अब हम जानते हैं फैक्टोरियल, जानते हैं क्या होता है, 1, 2 क्या कहते हैं, 1 × 2 यानी कि 2, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 1 × 2 × 3 यानी कि 6, 4 क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4 यानी कि 24। अब इसके बाद ध्यान से देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ तक तो सेम जाएगा ही, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा × 5, तो कितना आ जाएगा, ये शायद ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे इसको सही कर लेना, ये यहाँ पे आएगा 5 बार पर आएगा, अंदर में 4 आएगा, जैसे कि अगले यानी अगला सही है 6, 6 में क्या होगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 6 को, 6 × 5, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 6, ये वाला गलती हो गया, यहाँ पर आएगा ये 5 × 4, क्या इसका मतलब ये है कि 4 के बाद जो सीरीज है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अब यहाँ क्या आएगा, 4 × 5, फिर इसमें क्या आएगा, अगली के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इसमें 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, तो हम कहाँ तक काउंट करेंगे, 24 तक काउंट करेंगे, केवल इसी पैटर्न को कंसिडर करेंगे इस सवाल के अंदर, क्यों, क्योंकि बाद की जो सीरीज है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर हम इसमें काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 1 होता है, 2 कितना होता है, 2, 3 कितना होता है, 6 और 4 कितना होता है, 14 / 10, जब इनको प्लस करेंगे, 1 + 2 = 3, 6 + 6 = 9 और 24 = 33 / 10, तो कितना रिमाइंडर आ गया, 3, तो रिमाइंडर कितना आया यहाँ पर, 3 आया। अब है लास्ट डिजिट, ये पैटर्न ध्यान दीजिए, अगर हमें किसी नंबर की लास्ट डिजिट काउंट करनी हो, अगर नीचे 10 हो तो क्या देखेंगे, लास्ट की डिजिट देखेंगे, है ना, ऐसे यहाँ पर लास्ट की, यहाँ पर डिवाइड किससे कर रहे हैं, 10 से, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 1, लेकिन अगर हमें लास्ट 2 डिजिट काउंट करनी हो और नीचे 100 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 3, यहाँ पर 31, 13, यहाँ पर 17, कब, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट आ जाएगी, और 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 1 डिजिट आएगी। इसी में हमारा एग्जाम्पल है कि 44 × 55 × 76 × 9169 को डिवाइड करना है किससे, 100 से, और इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है, लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है, तो इसका स्टेप हम इसे क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगे पहले, तो हमने क्या किया, पहले हमने 4 से इसको 100 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये 11 टाइम गया और ये 25 टाइम गया, हमने इसको एक बार फिर डिवाइड कर दिया 5 से, यानी कि ऊपर देखा हमने क्या कि ये स्टेप 2 में जो 55 है ये 5 से डिवाइड होता, कितना चला गया, ये 5 से 5 टाइम, और ये भी 11 टाइम चला गया। अब ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बन गया, 11 × 11 × 76 × 9169 / 5, अब ये कैसे बन गया, अब ये हमारा सेम इस क्वेश्चन की तरह बन गया, जैसे यहाँ पर 30 से डिवाइड कर रहे थे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो जब हमने 5 से डिवाइड करा तो यहाँ पर क्या आया, 5 × 2 = 10, यानी कि +1 फालतू है, यहाँ पर +1 फालतू है, और ये कितना फालतू है, 75, 75 पूरा पूरा कट जाएगा, वहाँ पे +1 फालतू है, और इसको काटने के लिए 9100 चाहिए, फिर कितना चाहिए, 70 चाहिए, यानी कि यहाँ पर -1 की कमी है, तो इस बार हमने क्या करा, +1 + 1 + 1 और -1, बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, तो कितना आ जाएगा, -1/15, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 − 1 = 4, रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, लेकिन हमने हमें लास्ट डिजिट किसके अंडर पर निकालनी है, 100 के अंडर पर निकालनी है, तो जो काम हमने स्टार्टिंग में किया था, यानी कि हमने 20 से जो डिवाइड किया था, यहाँ पर आगे क्या कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये नीचे आ गया ना 100, तो बस यही इसलिए करा हमें, क्योंकि हमें 100 पर काउंट करनी है लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 80, यानी कि लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 0 और 8 होगी, लास्ट 2 डिजिट कौन कौन सी होंगी, 0 और 8। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, 502 × 97 × 229 × 96 × 103 / 100, क्वेश्चन है कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट, इसमें भी फिर हमने क्या किया, स्टेप 1 वही, हमने देखा कि 96 डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, 96 डिवाइड हो रहा है, तो हमने 96 को क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 24, और नीचे कितना बन गया, 25।
अब हमने ध्यान से देखा कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो स्टेप टू पर वो ये क्या करेंगे, 25 से सीधा सीधा इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो ये 25 टू जा 50, यानी कि कितना कट जाएगा ये, यानी कि 500 तो पूरा कट जाएगा, प्लस 2 फालतू है। यहाँ पे 100 चाहिए हमें, यहाँ पे क्या है माइनस के 3 की कमी है, यहाँ पे क्या चाहिए 225, यानी कि 225 चाहिए, तो यहाँ पे कितनी कमी है प्लस 4 की, ये 4 से कट ही गया था ऊपर 24, तो कितनी कमी है यहाँ पर 25 से कम 25, यानी कि -1 की कमी है, और यहाँ पर 2500 प्लस 3 फालतू है। तो जो जो हमारे पास आए हैं उनको हम स्टेप 3 में लिख लेंगे, +2 -3 +4 -1 और +3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, लेकिन माइनस यहाँ भी है, एक माइनस यहाँ है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो कितना आ गया, ये आ गया 72 डिवाइड बाय 25। तो 25 से 50 टाइम्स तो पूरा चला जाएगा, बचेंगे कितने 22 बचेंगे, कितने बचेंगे 22 बचेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ गया 22। अब वही जब हमने वहाँ पे 4 की डिवाइड की थी तो हमें यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 100 पर लास्ट 2 डिजिट काउंट करनी है। तो 22 चौका 88 और 25 चौका 100, तो लास्ट 2 डिजिट कितनी होंगी 88 होगी, यानी कि 8, और 8 क्या होंगी लास्ट 2 डिजिट होंगी। टू बी कंटिन्यूड, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।